प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की मशहूर पत्रकार अदिति त्यागी जी, और ये दोनों बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप पे बोलने की गुस्ताखी मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, लेकिन जो थोड़े से जो सवाल है या जो ट्रेंड्स है उनके बारे में मैं जरूर बात करना चाहती हूँ। देखिए, इंडिया में एक होता है पार्टी सपोर्टर्स, दूसरा होता है साइलेंट वोटर या जो इनडिसाइसिव वोटर होता है। आप देखें तो पार्टी सपोर्टर्स ब्रॉडली उनका माइंड क्लियर होता है, लेकिन जिसका जो इनडिसिजन में वोटर होता है वो एक बहुत ह्यूज रोल प्ले करता है किसी पार्टी की सक्सेस या किसी पार्टी की फेलियर में। यहां पर जो एक बात कही जा रही है कि आपने ये कहा कि कई बार काम के बावजूद किसी पार्टी को नकार दिया जाता है। इंडिया में बीते दिनों में खासतौर पर जो फर्स्ट टू फेजेस की पोलिंग हुई थी उसके बाद वोटर फटीक की बात की गई थी। अब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक रीजन कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि बीजेपी का जो सपोर्टर है उसको लग रहा है कि अरे नरेंद्र मोदी तो जीत ही रहे हैं क्योंकि ऑपोजिशन में कोई नहीं है। दूसरा, इस वक्त यहाँ पर गर्मी बहुत है, लेकिन वो गर्मी जस्टिफिकेशन तो खैर नहीं हो सकती। और यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो लगातार बहुत सारे कैंपेन्स चला रहा है, ये कोशिश की जा रही है कि बड़ी संख्या में जो वोटर है वो पोलिंग बूथ तक पहुंचे, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, उसकी पार्टिसिपेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेट्स हैं जहां पर पोलिंग परसेंटेज जो है वो बहुत आया है, वहां पर आप वोटर फटीक की बात नहीं कर सकते। जैसे आप असम की बात करें, आप त्रिपुरा की बात करें, आप मणिपुर की बात करें, फॉर दैट मैटर आप वेस्ट बंगाल की बात करें, तो दूसरी तरफ आप उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें जहां पर उतना हाई वोटिंग परसेंटेज जो है इट हैज गॉट बेटर, बट उस तरह का नहीं है जो कि हम देख रहे हैं ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। एक तो ये बात है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि पार्टी कितना कन्विंस कर पाई है, कितना मुखर तरीके से अपनी बात जो उसकी टारगेट वोटर है या टारगेट वोट बैंक है उस तक अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाई है, और क्या उसकी उस स्ट्रैटेजी में ये पर्सुएशन है कि वो वोटर को घर से बाहर निकाल लाए या उसे अपनी तरफ खींच पाए। क्योंकि जब मैं आपसे ये बात करी तो एक और फैक्ट है, जैसे अगर आप बीजेपी के कैंपेन को देखें, एनडीए के कैंपेन को देखें, और बीजेपी लेड एनडीए के कैंपेन को देखें या ऑपोजिशन के जिसमें कि कांग्रेस पार्टी है और तमाम जो विपक्षी पार्टियां साथ में है, जैसे बीजेपी कहती है कि 400 पार, बीजेपी तो ये कह ही नहीं रही कि हम पावर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो तो सीधा कह रही है कि हम 400 पार, 370 इंडिविजुअल नंबर की बात करती है जिसे वो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में उसके एब्रोगेशन से जोड़ते हैं। तो दूसरी तरफ जो अपोजिशन का अलायंस है, आप देखें उनकी स्ट्रैटेजी, उसमें एक नंबर दिखाई नहीं देता। वो ये नहीं, वो ये तो वो क्या कह रहे हैं इस वक्त, वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं बीजेपी 400 सीटें नहीं ला पाएगी, वो ये कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि हम कितनी सीटें लेकर आएंगे। तो जहां आप अपनी लाइन लंबी खींचने के बजाय दूसरे की लाइन को छोटा करने वाली स्ट्रैटेजी अख्तियार करते हैं, तो आपके किसी के भी जहन में एक सवाल खड़ा होता है कि ये क्या कॉन्फिडेंट नहीं है, क्या ये पर्सुएसिव इनफ नहीं है वोटर के जहन में। ये मैं इसको कहती हूँ कि थोड़ा सा नेगेटिव कैंपेन होती है जब आप ये कहने पर चले जाएं कि फला पार्टी जो है वो ये नंबर क्रॉस नहीं कर पाएगी या फला कॉलिशन ये नंबर क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी वाइज भी, जो आपने शुरू में मुझसे सवाल पूछा था, वोटर के लिहाज से मैं कभी मैं मानती हूँ कि कुछ फैसले इंडिया में ईवीएम से जवाब देने का ट्रेंड है और वो अपने हिसाब से जवाब देता है, ये फैसला मैं उसी की अदालत में छोड़ती हूँ, मैं भी उसका सामना करती हूँ, नेताओं को भी सामना करना पड़ता है, सबको सामना करना पड़ता है, और जो उनका फैसला होता है वो सिर माथे पर लेना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, जो कि यहाँ पर पॉलिटिशियंस करते हैं। लेकिन अगर मैं स्ट्रैटेजी वाइज बात करूँ और खासतौर पर जो बीते कुछ दिनों में, बीते कुछ हफ्तों में बल्कि मुझे कहना चाहिए, जो एक वोटर फटीक को लेकर एक डिस्कशन हुआ था उसके बारे में बात करूँ, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं और ये जो कैंपेन स्ट्रैटेजीज हैं उसके अलावा जो चेहरा है उसे लेकर जो दोनों ही कैंप्स के बीच में डिफरेंसेस हैं, ये मुझे ये उम्मीद है कि इन इन बातों को जब आपका व्यूअर सोचेगा तो उसे समझ आएगा कि इंडिया में इस समय किस तरह से जो चीजें हैं, खासतौर पर जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, वो इस वक्त प्ले आउट कर रहा है। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो मैं फर्स्ट टाइम तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत कम देखा है कि इंडिया की न्यूज जो है बहुत ज्यादा दिखाई जा रही है, इलेक्शन को कवर किया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है।
कि पाकिस्तान में जो है रोज ही हम देखते हैं कि मॉर्निंग में हमें कुछ ना कुछ बताया जा रहा होता है इंडियन इलेक्शंस को लेकर। लेकिन आदिति आप भी शोज ऐसे करती रही हैं जिसमें आपने पाकिस्तान के माइनॉरिटीज के बारे में बात की है, आपने कहा है कि जी वो कम होते चले गए और अब एक बहुत ही स्मॉल नंबर के ऊपर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हैं। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो अगर उसमें माइनॉरिटीज में तो खैर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन अगर मुस्लिम्स की बात करें तो उनकी एक काफी बड़े स्केल पे जो है पॉपुलेशन बढ़ी है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी, खैर कई जगह पे मैंने ये बात सुनी है और भारत में भी कुछ लोगों से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में चले जाएंगे और मुस्लिम मेजोरिटी में आ जाएंगे और फिर एक बार वो मुगल एरा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा उसी टाइप का कुछ। तो कुछ होना चाहिए कि मतलब इसलिए नहीं कि मुस्लिम्स को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी कोई पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, कुछ बनाना चाहिए, एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए आपके ख्याल से, या ये इसी तरह से होता रहेगा जो हो रहा है? देखिए आरजू, क्योंकि आपने जिक्र किया तो थोड़ा सा आपके व्यूअर्स को मैं क्लैरिटी देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी खबर बना हुआ है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है, उसके द्वारा जो डेटा जारी किया गया है जिसमें दो सालों का डेटा कोट किया गया है, एक तो 1950 और दूसरा 2015। ये मैं इसलिए भी उठा रही हूँ क्योंकि आपने भारत के बारे में बहुत ज्यादा ये दुष्प्रचार देखा है कि भाई भारत में तो मुसलमान जो है उनका जीनोसाइड हो रहा है, पाकिस्तान तो बहुत चीख चीख कर चिल्लाता है कि इस्लामोफोबिया और मुस्लिम जो है वो खतरे में है और पाकिस्तान जो है वो भारतीय मुसलमानों को मॉरल सपोर्ट देता है, ब्ला ब्ला इस तरह की बातें, बहुत ही प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स। अब मैं आपके जो व्यूअर्स हैं अब उन्हें पर्सपेक्टिव देती हूँ। जिस भारत के बारे में कहा जाता है कि वहां पर इस्लामोफोबिया है, जहां पर हिंदूज मेजोरिटी में है, वहां का डेटा देखिए। 1950 में जो हिंदूज 84.68% हुआ करते थे, 2015 में, ध्यान से सुनिएगा, 1950 में 84.68%, जो कि घटकर, बढ़कर नहीं, घटकर 78.06% हो गए हैं। घटे हैं हिंदू, और कितना घटे हैं, 7.82%। तो ये किस मुल्क में हो रहा है जिसके बारे में कहा जाता है वो हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, जिसके बारे में दुष्प्रचार किया जाता है कि माइनॉरिटीज खतरे में। और आपने, क्योंकि हम खासतौर पर मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपको डेटा दूं मुस्लिम्स को लेकर, मुस्लिम पॉपुलेशन को लेकर, तो 1950 में 9.84% हुआ करते थे, 1950 में 9.84%, और 2015 में 14.09%। तो 9.84% से 14.09%, जो कि हो गई 43.14% से ज्यादा की बढ़ोतरी। और सोचिए मुस्लिम पॉपुलेशन 43.14% बढ़ रही है, जैन्स 84%, 85% की गिरावट है उनमें। तो आप, उनकी आबादी में 85% की गिरावट है, और कैसे 0.45% से वो 0.36% है। अब ये क्या बता रहा है, ये आपको क्या मैसेज दे रहा है कि जिस देश के बारे में ये दुष्प्रचार किया जाता है कि माइनॉरिटीज खतरे में है, वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो बड़ी है, और जो मेजॉरिटी है उसकी पॉपुलेशन करीब करीब 8% डाउन हुई है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जन्म दर के बारे में भी आरजू बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुस्लिम्स, ये आप देखेंगी सुनेंगी, मैं एक्चुअली रिलीजियस लाइन पे देखती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये एक डिस्कशन का बिंदु है, तो मुस्लिम्स भी ये कहते हैं कि भाई उनके यहाँ भी जन्म दर कम हुई है, हिंदूज में तो हुई है। अब आपको ये समझना है जो बदलाव आया है, क्या ये सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन है या ये डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है इसके पीछे और भी फैक्टर्स हैं? क्या इसके पीछे रिलीजियस कन्वर्जन है? क्या इसके पीछे, उससे भी बड़ा बात मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि इंडिया में घुसपैठियों को लेकर बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ है। यहां पर आपके जो व्यूअर्स हैं, मैं उनको बता दूं कि इंट्रूडर और रेफ्यूजी का फर्क भारत बहुत अच्छे तरीके से समझता है। रेफ्यूजीज के लिए ही हम सीए लेकर आए थे, जिसे भारत के खिलाफ एक दुष्प्रचार के तौर पर ये कहा गया, अरे तो मुसलमानों से डरते हैं, ये तो मुस्लिम्स को उसमें क्यों नहीं शामिल किया। तो अभी जो आप सवाल पूछ रही थी, पार्शियल एक्सप्लेनेशन उसका, आप ये जो मैं बात उठा रही हूँ उसमें आपको दिखाई देगा। तो ये कहाँ से बढ़ रही है मुस्लिम पॉपुलेशन? ये ऐसा नहीं कि भारत में जो मुसलमान रह रहा है वही ये सारी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। जब जनदर गिर रही तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही? ये पॉपुलेशन बढ़ रही क्योंकि घुसपैठ हो रही। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी के सवाल और अदिति त्यागी जी के जवाब आपको काफी पसंद आएंगे, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे इन दोनों सशक्त महिलाओं ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, और खासकर
एक बहुत बड़ा कंसर्न हमारे देश के लिए ये है कि जहाँ पे हिंदू जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ काफी स्लो रही है, बल्कि हम कहें कि वो नेगेटिव में रही है, और दूसरी ओर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो भारत में आजादी से लेकर अब तक तेजी से आगे बढ़ी है लगभग 43% के हिसाब से, जो कि एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसबैलेंस क्रिएट करेगा और डेमोग्राफी को चेंज करेगा। और हम जानते हैं कि जब भी जिस देश में ऐसी डेमोग्राफी चेंज होती है तो उसके हालात कैसे हो जाते हैं, खासकर अगर हम बात करें आज के यूरोप की, जहाँ पे ये पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हम देख रहे हैं कि यूरोप के हालात क्या है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।